बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ की बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक जवान की जान चली गई है। बीएसएफ के कई जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी है। बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ का एक वाहन पलट गया है, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के एक दर्जन से अधिक जवान घायल हुए हैं। हादसे में एक जवान की मौत भी हो गई है। भारत पाक सीमा के पास यह हादसा हुआ। घायलों को राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंचाया गया है। जवाहर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं अस्पताल में। उन्हें इस वक्त अस्पताल में पहुंचाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। सहयोगी सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, आखिर यह हादसा हुआ कैसे और घायलों की स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए प्रियंका, ये बीएसएफ का वाहन पलटने से बड़ा हादसा हुआ और भारत पाक सीमा के पास ही प्रथम दृष्टि जो हादसा बताया गया। बीएसएफ के अधिकारी मीडिया से काफी दूरियां बनाए रखी, क्योंकि राहत और बचाव में वो लोग लगे हुए। एक बीएसएफ के जवान की दर्दनाक मौत हो, आधे दर्जन से बीएसएफ के जवान है वो घायल है, उनका उपचार जारी है और लगातार बीएसएफ के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका सावलदान, आप बता रहे हैं कि अधिकारी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या घर वालों को सूचना दे दी गई है और अभी अस्पताल में स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स वहां पर प्रॉपर हैं? कितनी संख्या में जवान घायल हुए हैं, सारी जानकारी दीजिएगा। देखिए प्रियंका, जो घायल जो जवान है उनको लगातार अस्पताल में लाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की टीम अलर्ट नजर आ रही है। शिक्षा विभाग के डॉक्टर्स है, नर्सिंग कर्मी, वो लगातार उपचार कर रहे हैं और राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, ताकि जो जवान है घायल है उनका तत्काल प्रॉपर तरीके से जल्द से जल्द उपचार कर किया जा सके। प्रियंका, बिल्कुल जरूरी है कि जल्द से जल्द घायलों का उपचार हो, ठीक तरीके से उपचार हो और कारणों का भी पता चले, ताकि दोबारा इस तरीके के हादसे ना होने पाए, क्योंकि देश ने एक जवान खो दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर का, करौली के टोडा भीम से खबर है। पीएचईडी कार्यालय में नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। नाबालिग से साथ दुष्कर्म को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने जलदाय प्रशासन पर नाराजगी जताई है। सीई एडमिन राकेश लुहाड़िया को मंत्री ने फटकार भी लगाई। चीफ इंजीनियर प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई की बात भी कही गई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट की भी तलब की भी बात मंत्री की ओर से कही गई है। एक्सीएन किरोड़ी मीणा पर तथ्यों को छिपाने पर मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है। आरोपी एक्सीएन ने पीएचईडी मुख्यालय को भी घटना की जानकारी नहीं दी और इसी को लेकर मंत्री आक्रोशित हैं। तो महेश जोशी ने जलदाय प्रशासन पर नाराजगी जताई है और इसे लेकर फटकार भी लगाई गई है और तुरंत एक्शन की मांग की गई उनकी ओर से।